आज मैं बना रही हूँ चिकन का खुरमा हैदराबादी स्टाइल। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ के जी चिकन ले लिया है और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने देखिए 50 ग्राम के करीब सूखा नारियल ले लिया है और 50 ग्राम के करीब मैंने ये सेंग ले ली है, कच्ची सेंग। और इसमें एक अखा प्याज जाएगा और 20 ग्राम के करीब मैंने तिल ले लिया है, सफ़ेद तिल। और इसके अंदर 1 कप खट्टा दही जाएगा और 1.5 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लगेगा इसके अंदर। और इसमें कोतमीर लगेगा थोड़ा सा और पुदीना लगेगा, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, और गरम मसालों में लगेगा 1/2 टीस्पून साजीरा है और सिनेमन स्टिक है 2 छोटी सी, और इलायची है हरी इलायची 3 और काली मिरी 4 है। तो अभी सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो प्याज है, तिल है और ग्रीन चिली जाएगी 4। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो 4 चीज़ है, ग्रीन चिली को साइड में रख देते हैं, ये जो 4 चीज़ है इसे हमें भून के ले लेना है, इसे भून के इसका मसाला बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ और मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, बस हमें इसे इस तरीके से ही रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। 2 मिनट भूनेंगे इसे, इसका कलर थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो देन मैं इसे निकाल के साइड में रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑनियन का कलर है वो चेंज हो गया है, तो अब मैं इसे निकाल के साइड में रख दूंगी। अभी मैं इसके अंदर तिल डालूंगी, तिल को ज्यादा नहीं भुनना है बिकॉज तिल कड़वी हो जाती है ज्यादा भुनते हैं, तो बस तिल को मैं ज्यादा नहीं भुनना है, बस इस तरीके से। और मैं इसे निकाल लेती हूँ अभी हल्का सा, बस कुछ सेकंड्स के लिए हमें इसे रोस्ट कर लेना है। तो अभी चलिए मैं इसे भी डिश आउट कर लेती हूँ। अब इसके बाद में इसके अंदर मैं सूखा नारियल डाल दूंगी और इसे हमें लाइट सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, जिसका पिंकिश कलर आ जाए बस तब तक इसे हमें रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए ये भी हो गया है, अभी मैं इसे भी डिश आउट कर लेती हूँ, साइड में रख लेते हैं इसे भी निकाल के। और इसके बाद मैं ये सेंग डाल देती हूँ और सेंग को हमने अच्छे से भून लेना है, और आप चाहो तो इसके छिलके उतार सकते हो और नहीं चाहो तो मत उतारिए, ये आपके ऊपर है जैसे आपका टेस्ट है। अगर आपको छिलके उतारने हैं इसके, तो आपने इसको ठंडा करके रब करके छिलके उतार लेने हैं, नहीं तो इसे ऐसे ही डायरेक्ट पीस लेना है। अब ये हमें चारों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, पीस लेना है। पहले से मैं भून लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ आपको। तो ये देखिए ये अच्छे से भून गया है, तो अभी मैं इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रखूंगी, मैं इसकी स्किन निकाल दूंगी, ये टेस्ट आपके ऊपर है कि अगर आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और मैं अब क्या करूँगी, इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब तक इसकी जो रॉ स्मेल है वो नहीं चली जाती, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ में ही मैं इसके अंदर ये जो साजीरा है, सिनेमन स्टिक है, ये जो गरम मसाले है, ये मैं सब इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए अभी इसकी रॉ स्मेल चले गई है, तो मैं इसमें चिकन पीसेस डाल दूंगी और इसे मैं एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए अच्छे से भून लूंगी। और ये जब तक मैं भून रही हूँ तब तक मैं ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे ये मैं इसको पीस के ले लूँगी अच्छे से। आपने पानी चाहिए तो पानी डालिए, या तो जो मैंने दही आपको बताया था आप दही डाल के भी पीस सकते हो, बट मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। हाँ, 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो चलिए जब तक भून रहा है तब तक मैं मसाले पीस के ले लेती हूँ। तो नाउ देखिए अभी
यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं ये दही डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हमें इसे इसके अंदर हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर ये दोनों हमें डाल देनी है। और उसके बाद सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिए, आप अपने हिसाब से डालिए, मैं अपने हिसाब से सॉल्ट डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने मसाला आपको बताया था वो मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। जो मैंने मसाला आपको बोला था कि ये मसाला आपने पीसना है, तो ये देखिए मैंने पीस के ये मसाला भी इसके अंदर डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करके एटलीस्ट 15 मिनट के लिए हम इसे फास्ट फ्लेम पे पकाएंगे। हाँ, बीच बीच में आपने चलाते रहना है वरना लग जाएगा ये नीचे, तो इसीलिए आपने इसको एटलीस्ट 15 मिनट तक फास्ट फ्लेम पे पकाना है। स्लो फ्लेम पे भी पकाओगे तो वही है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बट ये है कि इसको बीच बीच में से चलाते रहना है आपने। और ये 15 मिनट्स में जो मैंने हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला था वो ऑटोमेटिकली वो पक जाएगा, उसकी जो रॉ स्मेल जो होती है वो चले जाएगी। हाँ, और आपने दही ले रहे हो तो आपने दही खट्टा दही लेना है, बिकॉज जो खट्टा बनाएगा वो दही से आएगा, इसमें कोई टमाटर वगैरह मैंने नहीं डाला है। तो इसीलिए अब मैं क्या करूँगी, जो इसमें हाफ ग्लास वाटर लूँगी और जो जार है जिसमें मैंने मसाला पीसा था वो मैं उसके अंदर डाल के बस इस तरीके से इसे एटलीस्ट 15 मिनट तक पका लेंगे। इसका साइन ही होता है, मसालों का साइन, पकने का साइन ये होता है कि इसका जो पूरा जो ऑयल है वो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर दिखने लगेगा। तो बस 15 मिनट्स के बाद मैं आपको बताती हूँ। 15 मिनट्स के बाद में 5 मिनट और पकाना है इसके अंदर कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्ची डाल के। तो चलिए पहले इसको पकने देते हैं 15 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से पक गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 15 मिनट हो गए हैं, आपको साइड से अगर ऑयल दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो। तो इसमें मैं ये ग्रीन चिली है वो मैं डाल दूंगी, और ये जो पुदीना है पुदीना के पत्ते वो, और इसमें कोथमीर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे आप एटलीस्ट 5 मिनट के लिए पका लीजिए। वाई? बिकॉज कि जो कोथमीर पुदीना हमने डाला है उसका टेस्ट आना चाहिए। 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट तो ज़रूरी है पकाना, एंड देन इसके बाद में मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये ऑलमोस्ट पूरा कुक हो चुका है, सिर्फ इसको अब मैंने जो ये डाला था कोथमीर और पुदीना बस उसे ही कुक करना बाकी है। तो ये हमारा हैदराबादी चिकन कुरमा रेडी है बनके।